हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज होम हेल्थ केयर। ओके, होम हेल्थ केयर का क्या मतलब है कि घर पे, ओके, होम केयर जो प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्थ वर्कर होम केयर प्रोवाइड करते हैं, वो उसका क्या मतलब है और वो क्यों देते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ होम हेल्थ केयर। ओके, इसको हम होम केयर भी बोल सकते हैं। सो होम हेल्थ केयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ मेडिकली रिलेटेड प्रोफेशनल पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट्स टू इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज इन देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ और ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ओके, सो हमें जो डेफिनेशन है उससे सब कुछ क्लियर हो गया कि होम हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो होम हेल्थ केयर क्या है? इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ मेडिकली रिलेटेड प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, सो होम हेल्थ केयर में क्या करते हैं, हम प्रोविजन ऑफ केयर देते हैं। ओके, केयर प्रोवाइड करते हैं कैसे, होम एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनके रेसिडेंशियल एनवायरनमेंट में। सो प्रोविजन ऑफ मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, तो इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई प्रोफेशनल नर्स हो या फिर कोई और मतलब जो केयर प्रोवाइड करते हो वो हो। ओके, तो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं वो और पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज से वो दोनों हो सकते हैं। ओके, और कैसे, किसी भी इक्विपमेंट की मदद से कोई इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज इन देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ओके, तो जो प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल जो सर्विसेज है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल की फैमिली और उनके घर के अंदर। ओके, प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। ओके, और इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर द हेल्थ ऑफ हेल्थ। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, उसका जो हेल्थ है पेशेंट का, उसको प्रमोट करना है, उसको मेंटेन करके रखना है और उसको स्टोर करना है। ओके, एंड ऑफ मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ओके, क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ इलनेस है और डिसेबिलिटी है पेशेंट पे, उसको हम मिनिमाइज कर सकें, यानी कि कम से कम प्रोवाइड कर सकें, कम से कम उसको हम उसकी जो इलनेस है उसको हम बढ़ने से रोकें। ओके, सो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ होम हेल्थ केयर है, जो कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ पिक्चर वेयर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज़ गिविंग केयर टू द पेशेंट इन देयर होम। ओके, उनको घर पे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो हेल्थ वर्कर हैं वो। ओके, तो ये जो केयर प्रोवाइड किया जाता है ये उनकी घर के यानी कि होम सेटिंग में की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ होम हेल्थ नर्स। ओके, अभी जो होम हेल्थ नर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। ओके, तो फर्स्ट इज एडवोकेसी, देन सेकेंड इज कोऑर्डिनेटर एंड थर्ड इज एडुकेटर। ओके, अभी एडवोकेसी कैसे करेंगे, एडवोकेसी मतलब कि वो लोग एडवाइस देंगे पेशेंट को कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है वो डिसेबल है, चल नहीं पा रहा है, ओके, तो उसको हम उसको वो लोग क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे, कैसे अपने आप को बाकी सारे काम में उलझा के रखे। ओके, तो ये क्या होता है, एडवोकेसी मतलब होता है एडवाइस देना रिलेटेड टू देयर हेल्थ हैबिट। ओके, हेल्थ इलनेस, देयर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ओके, इन सब के बारे में एडवाइस देंगे वो। नाउ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट करता है सारे वर्क को। ओके, जैसे कि जो पेशेंट है उसको क्या प्लान ऑफ केयर दिया जाएगा, कब खाना लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। ओके, तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट करना, यानी कि कब क्या क्या चीज़ें करनी है वो। एंड लास्ट इज एडुकेटर, पेशेंट को मैक्सिमम एडुकेट करना है अबाउट कि वो अपना जो अपना खुद का काम है वो कैसे कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को अगर एक्टिव रखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। ओके, तो ये क्या है, रोल ऑफ हेल्थ नर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्विस कंपोनेंट, यानी कि जो वो लोग सर्विस प्रोवाइडर है उन लोगों का क्या क्या सर्विस कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो एक होम हेल्थ नर्स बन सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होम हेल्थ नर्स होंगे वो क्या होंगी, स्किल्ड नर्स होंगी, ठीक है, यानी कि उनको जो बेसिक जो नर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको वो स्किलफुली उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, देन
फिजिकल थेरेपिस्ट, ओके, जो सर्विस कंपोनेंट होंगे यानी कि कौन कौन सर्विसेज दे रहे हैं उसमें से फर्स्ट नर्स है, सेकंड इज फिजिकल थेरेपिस्ट, ओके, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो घर पे आकर के उनको एक्सरसाइज करवा के जाएंगे कि उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो चालू रहे, ओके. द नेक्स्ट इज स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, यानी कि जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या फिर अगर ऐसे कोई पेशेंट है जो कि किसी ट्रॉमा से निकले हो, एक्सीडेंट से निकले हो, तो उनको क्या होगा, मे बी उनको स्पीच डिस्टर्बेंस हो सकता है, ओके. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट है वो भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं इन होम हेल्थ सेटिंग, ओके. द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ऑक्यूपेशन यानी कि उनके काम रिलेटेड जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी उनको सर्विस दे सकते हैं. देन मेडिकल एंड सोशल सर्विसेज, यानी कि मेडिकल एंड सोशल सर्विस मतलब कि जो वो लोग जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वॉलंटरी चाहते हैं कि वो दूसरों की मदद करें, ओके. तो वो मेडिकल साइड से होंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा उनको जो कंपोनेंट जो उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे. एंड लास्ट इज़ होम हेल्थ एड्स, ओके. तो होम हेल्थ एड जो वर्कर होते हैं जो उनको बेसिक काम करवाते हैं, उठाना बिठाना, उनको खाना खिलाना, ओके. तो ये सब क्या है, होम हेल्थ एड है. तो ये सब क्या है, ये सारा क्या था, इसका सर्विस कंपोनेंट था जो उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ होम हेल्थ केयर, ओके. होम केयर यानी कि जो नर्स है वो उनको मतलब क्या क्या नॉलेज होने चाहिए कि वो एक होम सेटिंग में काम कर सकते हैं, ओके. तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, उनमें उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए कि वो होम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ओके. दिस इज़ फॉर द क्वालिटी ऑफ पेशेंट, ओके. सो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट्स से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ होम केयर नर्स, ओके. सो द नर्स शुड बी वेल वर्स्ड विथ, ओके, यानी कि वो नर्सेज जो कि होम सेटिंग में काम कर रहे हैं उनके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इन सारी चीज़ों की, ओके, इन सारी चीज़ों की. तो स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, यानी कि उनका बेस है कि होम केयर में कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको उसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, ओके. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फैमिली डायनेमिक्स, उनके फैमिली में कौन कौन है, कब कब क्या क्या काम होता है, ओके, उनके बीच में कैसे रिलेशंस है, तो ये सब क्या, इन सब की नॉलेज उनको होनी चाहिए कि क्योंकि पेशेंट क्या होगा, सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं होगा, वो फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली सोशली भी बीमार होता है, ओके. तो इन सब की उसको नॉलेज होनी चाहिए. देन कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि पेशेंट जिसको जिस भी कल्चर को फॉलो करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट सिख है, ओके, सिख मतलब जो पंजाबीज होते हैं वो है, या फिर किसी और कंट्री क्या है, ओके, या फिर मुस्लिम है, तो उसके अंदर क्या क्या कल्चर प्रैक्टिस की जाती है उसकी भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ओके. देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू की उसका बिलीफ किस चीज़ में है, ओके, वो किस चीज़ में ज़्यादा मानता है, तो वो क्या है, इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू है. एंड लास्ट इज़ कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में होता है वो भी हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ओके. तभी आप क्या कर सकते हो, होम सेटिंग में आप केयर प्रोवाइड कर सकते हो, ओके. देन ये क्या था, ये हमारा लास्ट था क्वालिटीज़ ऑफ होम केयर नर्स, ओके. सो ये क्या था, हमारा होम केयर, हेल्थ होम केयर, जो कि हमारा ऑन्कोलॉजी का ही पार्ट था, ओके. थैंक यू.